तरह की बात मैं कोई सलाह नीतीश जी को नहीं दे सकता, बहुत सीनियर है। जब आपके साथ हो, आपकी सरकार आज बन जाए, तो वो दुनिया के सबसे बड़े क्रांतिकारी हो जाएंगे। एक और कंट्रोवर्सी में नीतीश कुमार जी फंस गए हैं। कल किसी आरजेडी के एक एमएलए को उन्होंने कहा कि आप महिला हैं, आप इस बात को नहीं जानती। देखिए, महिलाओं के बारे में कई बार ये बात चर्चा हो चुकी है। अब नीतीश जी की उम्र भी देखिए, आप आलोचना मत करिए हमेशा। कभी कभी वो गार्जियन की भूमिका में भी आकर के समझाने लगते हैं परिवार की तरह। महिलाओं का सम्मान जरूर रखना चाहिए और सदन एक प्लेटफॉर्म नहीं है। इस तरह की बात मैं कोई सलाह नीतीश जी को नहीं दे सकता, बहुत सीनियर है। हमेशा मर्यादित रहने का प्रयास किया है, लेकिन जो उम्र हो गई है ना, अब उम्र के ख्याल से उनकी बात को बहुत गंभीरता से नहीं लेनी चाहिए। और मुझे लगता है कि उनको बाईपास करनी चाहिए, उस पर हायतुबा मचाने की जरूरत है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि ये हैबिचुअल ऑफेंडर हो चुके हैं। देखिए, मैं किसी विपक्ष के बारे में उन्हें विपक्ष को भी अपने गिरिमान झांक करके देखना चाहिए कि हमारा आचरण, हमारा चिंतन, हमारा विचार क्या है, हम किस तरह का एक्ट करते हैं, हम क्या बोलते हैं। हैबिचुअल कुछ दिन पहले वो हैबिचुअल नहीं थे, उनके चाचा 6 महीने में हैबिचुअल हो गए हैं। जब उनके साथ थे तो हैबिचुअल नहीं थे। तो जब आपके साथ हो, आपकी सरकार आज बन जाए, तो वो दुनिया के सबसे बड़े क्रांतिकारी हो जाएंगे, आप जरा हमको बताइए ना। तो मुझे लगता है कि सियासत और सत्ता के मुताबिक रिश्ता बदलते रहे, और फिर उसका ख्याल, कल तो साथ थे ना, तो ख्याल तो रखना ही चाहिए। जैसे ललन बाबू ने जिस तरीके का अवमर्यादित बयान दे दिया राबड़ी देवी जी के बारे में, तो कल तो आप भर भर रात ललन बाबू वहां बैठे रहते थे। तो ख्याल तो रखना ही चाहिए किसी भी कीमत पर, और विपक्ष के नेताओं को भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि 3 महीना पहले ही तो आपके साथ थे वो। रिजीव का कहना है कि अपोजिशन जो है बजट पर डिसीजन न करके बाकी चीजों को कर रही है। मोदी जी को मैंडेट मिला हुआ, उस मैंडेट का इंसल्ट क्यों कर रहे हैं, बजट पर डिसीजन करें। बजट पर कुछ बोलने के लिए हो तब ना, अपने ही बजट को ये देख लें, 19 का बजट, चीजों की बजट घटती हुई, ओबीसी को इन्होंने समाप्त कर दिया, एसटीएससी को समाप्त कर दिया, उसके आरक्षण को समाप्त कर दिया, उसके एजुकेशन ग्रोथ को समाप्त कर दिया, एजुकेशन पर मतलब कुछ है ही नहीं बजट में। क्या है, 3% पर किसान के की इकोनॉमी आप ला दिए हैं, कहाँ 5 था। तो बजट पर क्या है, हेल्थ के लिए कुछ है ही नहीं,